हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल। और हम क्लास टेंथ की मैथ्स वी वर डूइंग पॉलिनोमियल्स, जिसके हमने 2.3 एक्सरसाइज कर लिया है, 2.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक्स। सो कीप वॉचिंग, ठीक है। और जिसने अभी तक नहीं किया है वॉच, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द सीरीज़ ऑफ 10th मैथ्स। 10th साइंस भी स्टार्ट हो गया एंड इवन 10th इंग्लिश ऑल्सो। अब 10th सोशल स्टार्ट होने वाला है। ओके, लेट्स रीड द एक्सरसाइज 2.4। हमने सेकेंड क्वेश्चन करना है, क्या है? फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन टू एट अ टाइम and products of zeros as 2, minus 7, minus 14 respectively। तो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल इस बार निकालनी है और हमें तीन चीज़ें दी हुई हैं। क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, पहले आपको वो बता दिया जाए। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है x क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस है उसके बाद प्लस आता है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज। इसका मतलब क्या है? एक और तरीके से समझते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ हम कह सकते हैं, तीन ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इनटू एक्स। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ अल्फ़ा बीटा गामा। तो इस तरीके से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है तो आपको पुट करना है और आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। सम आपको पता है टू, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होगा? वन सेकेंड, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। वन सेकेंड, वी सेट ऑल दीज थिंग्स। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? टू हमको दिया हुआ है। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा कितना दिया हुआ है? माइनस सेवन। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब सम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, फिर उनका सम है। नेक्स्ट में बोला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज, तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया हुआ है? माइनस 14। तो आप सबको वैल्यूज डालनी है इसकी, कितनी हो जाएगी? एक्स क्यूब माइनस दिस इज टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट, माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा कितना है? माइनस 14। कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस। तो ये आपका क्या आ गया? पॉलिनोमियल। आंसर को कर देंगे बॉक्स में। तो ऐसे हम सेकेंड क्वेश्चन हमने कर लिया है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। ऑप्शनल का यूज़ ना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो ऐसे घुमा के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको थोड़ा सा, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर, कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन मिला वो भी हमको क्यूबिक का ही मिला है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन ज़ीरोज़ होते हैं, पता है हमें, डिग्री थ्री है, तो एक दो तीन। फाइंड ए एंड बी बोला है, ठीक है। तो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या है? एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और तीन ज़ीरोज दिए हुए हैं, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। क्या करें? हमको निकालना है ए और बी का वैल्यू। क्या करेंगे? सबसे पहले तो सम ऑफ ज़ीरोज हमें पता है, जो होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है क्या? माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, और यू कैन से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा हो गया,
और ये कौन हो गया गामा। तो तीनों को ऐड कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा ये बी बाय ए में कंफ्यूज मत होना, ये ए बी तो ज़ीरोज़ वाले हैं, ये ए बी कोफिशेंट्स वाले हैं। तो ए बी ये वाले क्या हैं, वैल्यूज़ इनके क्या हैं, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब ए होता है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी होता है, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या होता है सी, और बाकी का बचा वो क्या है कांस्टेंट। ठीक है ना, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी बाय ए, माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है -3, ए का वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखो बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आ गया ए प्लस ए, 3 ए इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाता है 3/3, 1। तो ए का वैल्यू क्या आ गया 1। समझो आपको, हमने जो रिलेशनशिप है उसका यूज़ किया, सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या था। अच्छा ये रिलेशनशिप मैंने ना लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको जाके प्लीज़ देखिए पार्ट 5 में, है ना। ओके तो अब हम कर लेते हैं इसका, 1 सेकेंड, मैंने बताया तो है। ओके अब इसमें बी फाइंड आउट करना है, बी कैसे फाइंड आउट करें हम लोग, इजी वाला लेते हैं। देखिए दो फॉर्मूले हैं अभी हमारे पास, एक ये है, ये क्या होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सी बाय ए, और एक है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो कौन सा लेना चाहिए, दोनों ठीक है बट दिस वुड बी बेटर, ठीक है छोटा पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू हमने देखी है ए माइनस बी, बीटा इज़ ए, गामा इज़ ए प्लस बी, और माइनस डी अपॉन ए, डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 है, डी 1 है, ए कितना है 1 है, तो 1/1। अब ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए की वैल्यू डाल देते हैं 1 - b इंटू 1, 1 + b इक्वल्स टू -1, करेक्ट। अब 1 का तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, आगे बढ़ते हैं। 1 - b इंटू 1 + b हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 को इधर ले लेंगे +1, बी को इधर ले लेंगे, है ना, ये आ गया 2 इक्वल्स टू b². तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब ये रूट दूसरी तरफ जाएगा, हमें बी चाहिए, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर हमारा 2 है, हमें बी चाहिए, तो दूसरी तरफ रूट जाता है √2, और 2 आंसर्स आते हैं, कितने आंसर्स आते हैं 2, क्योंकि इसकी डिग्री है 2, वो भी क्या प्लस माइनस, क्या आंसर आया दूसरी तरफ रूट गया प्लस माइनस, तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू है +-√2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ टू ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर 2 + -√3, फाइंड अदर ज़ीरोज़। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, दो क्वेश्चन ऐसे किए हैं हमने, एक था दोनों ही वीडियोस में डला हुआ है, आप जाके देखिए प्लीज़। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। हमारे पास पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है x4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35। दो ज़ीरोज़, एक ज़ीरो है 2 + √3। अच्छा ये ऐसे दिया हुआ है, 1 सेकेंड, दिस इज़ गिवन टू यू लाइक दिस, एक्स इज़ इक्वल टू 2 + -√3। तो एक आएगा आपके पास 2 + √3, और एक है आपके पास 2 - √3, है ना। एक बार प्लस के साथ ले लिया, एक बार माइनस के साथ, दो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, कितने बचे हैं, डिग्री कितनी है 4, तो कितने ज़ीरोज़ आने वाले हैं हमारे पास 4 ज़ीरोज़, तो 2 और रह गए हैं। कैसे करते थे इस क्वेश्चन को हम लोग, सब इधर ले लेते थे x-2 - √3,
और इसका भी इधर ले लेंगे, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इधर, इसको भी इधर ले लेंगे, x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना था, मल्टीप्लाई, x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3, करेक्ट। तो ये एक पॉलिनोमियल सॉल्व करके जो आएगा, देख लेते हैं क्या आएगा, ये और ये सेम दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पे ये और यहाँ पे ये सेम दिख रहा है, ये भी ए, ये भी बी है ना, ए बी बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, दिख रहा है क्या होता है। अभी आइडेंटिटी बताइए, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, फिर से मैं यहाँ लिख रही हूँ इस तरीके से, राइट। तो मैंने बताया हुआ है किसी भी रूट का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना आ जाता है, रूट से ये कैंसिल 3। अब आइडेंटिटी लगाते हैं, क्या ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, राइट। तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, 2 × a × b, तो -4x -3। अभी कितना आ गया, इसको अरेंज करो, x वाला टर्म बाद में, 4 − 3 कितना आया, 1। सो दिस इज़ द पॉलिनोमियल जो हमको मिला है। अभी इस पॉलिनोमियल को अब हम क्या कर देंगे, लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे, तो लॉ इससे डिवाइड करेंगे। ऐसा ही था, तीन स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स दिमाग में रखने हैं आपको, और डिवाइड करने से पहले ना साइन मिला लेना चाहिए, माइनस माइनस प्लस माइनस है, ठीक है, इतना समझा। अब आपको यहाँ डिवीजन करना है, एक्स स्क्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स फोर आए, एक्स स्क्वायर से, क्या आ जाएगा, एक्स फोर, फिर 4x × x² कितना आता है, -4x³, करेक्ट। नेक्स्ट 1 × x² क्या होता है, 1x², मतलब x² है ना। अब माइनस करते हैं, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दिस गॉन, यहाँ -6 + 4 कितना होता है, -2x³। अब -26, यहाँ इसको हाइड करेंगे, -26 - 1 कितना आया, -27x² प्लस 138x - 35। ठीक है, अभी ये कितना है, -2x³, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -2x³ आए, हमें ये चाहिए, -2x - 2x³ -4 × -2 प्लस 8 x² 1 × -2x - 2x, करेक्ट चल रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या, आप लोग खुद पहले ट्राई कीजिए, मैं तब, और ये तब देखना जब आप कहीं बीच में अटक गए हैं, कुछ प्रॉब्लम आया है, ठीक है, नहीं तो खुद ही करना। दिस गोना बी -35, राइट, x² इसको हाइड कर देंगे, प्लस प्लस 138 + 2 ये आ गया, अभी यहाँ है -35 और हमें चाहिए x², तो क्या करेंगे, -35 से क्या आ जाएगा, -35x², -35 × 4 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 140, वेरी नाइस, प्लस 140 और 1 × -35 - 35 है ना। जितना भी एक टर्म लिखते हैं उसको तीनों से मल्टीप्लाई करना होता है, अब ये सभी कैंसिल हो रहा है, वाओ, तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था, मतलब सही करा है। अब स्टेप थर्ड क्या था, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है, क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग,
तो 35 को कैसे 7 5 35 करना है, तो -2 7 कितना हो जाएगा, 7 और 5 7 5 को सबट्रैक करें तो 2 मिलता है, तो मैं क्या लिखूंगी, -7 + 5 है ना, 7 5 = 35 होता है, -7 + 5 = 2 आ रहा है। अभी 4 टर्म्स हैं हमारे पास, पहले 2 टर्म्स में से x कॉमन, अंदर क्या बचा x - 7, इन दोनों टर्म्स में से 5 कॉमन, अंदर क्या बचा 5 कॉमन लिया, 5 7 = 35 करेक्ट, ये दोनों सेम है, एक बाहर अंदर क्या बचा x + 5 करेक्ट। अब इसको 0 के इक्वल रख देंगे, x - 7 0, x + 5 0, 1 x आ जाएगा 7 और 1 x आ जाएगा -5। वाओ, एंड दीज आर हमारे आंसर्स हैं, बहुत ही इजी, 3 स्टेप्स में हो जाता है। तो दिस गोना बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सभी बच्चों की मदद करिए, शायद कुछ बच्चों के पास कोई भी सोर्स नहीं है पढ़ाई का, तो ऑनलाइन स्टडी अभी हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है करने का। एंड होमवर्क में आपको ये सब रिपीट करना है, यही आज का होमवर्क है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बाय, टेक।